मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर एक नया चैप्टर लिखा हुआ इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है क्लास 11th में। बाकी सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी इस चैप्टर के बाद में सिर्फ ऑर्गेनिक का दो चैप्टर बाकी रह जाएगा। इक्विलिब्रियम कंसेप्चुअल चैप्टर भी है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, वो आपको रीडिंग डालना होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है उसको समझाते हैं। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ कंडीशन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंजेस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड चेंजेस, यानी जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाते हैं उस स्टेट ऑफ कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप एक्सटर्नली देखोगे तो वो रुका हुआ नजर आएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में भी अचीव करता है, वहां भी एग्जिस्ट करता है और केमिकल रिएक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड बात करते हैं, तो इस चैप्टर में भी इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंजेस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। आपको भी थोड़ा रीडिंग डालना चाहिए कि किस तरीके से दिया हुआ है। कुछ एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इक्विलिब्रियम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम जिम जाते हैं, कोई जा रहा है तो आप देखते हैं कि ट्रेडमिल पर वो दौड़ता है, तो ट्रेडमिल का प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा होता है और सामने वाला व्यक्ति भी मूव कर रहा होता है, और वो ट्रेडमिल पर तभी तक एक्सरसाइज कर सकता है, तभी तक वो दौड़ सकता है जब तक ट्रेडमिल के प्लेटफॉर्म का स्पीड और उसका स्पीड मेंटेन है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। प्लेटफॉर्म बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और आदमी आगे की तरफ मूव करता है, और ये दोनों अपने स्पीड को मेंटेन कर रहे होते हैं। यानी अगर प्लेटफॉर्म का स्पीड कम या ज्यादा करते हैं तो उस पर दौड़ने वाले व्यक्ति का भी स्पीड कम या ज्यादा होना चाहिए उसी रेशियो में। अगर कोई एक एक्सीड कर गया या कम हो गया तो व्यक्ति गिर जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म का स्पीड ज्यादा हो गया इस पे दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में तो व्यक्ति पीछे गिर जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म का स्पीड कम है और दौड़ने वाले का स्पीड ज्यादा है तो आगे की तरफ में जाकर भी गिर जाएगा। लेकिन जब दोनों का स्पीड मेंटेन है, बराबर है, तो उसी प्लेटफॉर्म पर वो दौड़ रहा होगा। अब आप इमेजिन करो कि कोई ऑब्जर्वर है, उसके सामने में एक व्यक्ति ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, लेकिन उस ऑब्जर्वर को यह नहीं पता चल रहा है, ट्रेडमिल नहीं दिख रहा है, कर्टेन लगा हुआ है, एक दीवार है, उसको सिर्फ यहां तक सर दिख रहा है, तो वो क्या लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो जंप कर रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ इस तरीके से ऐसे मूवमेंट दिखाई देगा। नीचे तो ट्रेडमिल का प्लेटफॉर्म वगैरह ट्रेडमिल दिख ही नहीं रहा है, जबकि हो क्या रहा है, यानी कि इस ऑब्जर्वर को यह लग रहा है कि वो व्यक्ति रुका हुआ है, सिर्फ अपने पोजिशन पर हिल रहा है, वो सिर्फ अपने पोजिशन पर हिल रहा है, जबकि रियल में क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति दौड़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से वो आगे की तरफ में दौड़ रहा है उसके ट्रेडमिल का प्लेटफॉर्म उसको उसी स्पीड से पीछे की तरफ ले जा रहा है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो इसका ये इक्विलिब्रियम डायनामिक कहा जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कंटिन्यूअस चल रहा होता है। कई फिजिकल प्रोसेस में इस तरीके के प्रोसेस हो रहे होते हैं। जैसे अगर आप बुक पढ़े होंगे तो वहां की एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क में विद इंसुलेटेड पूरी तरह से सील्ड है, जहां टेम्परेचर हीट एनर्जी हम सराउंडिंग को नहीं दे सकते, आइसोलेटेड का मतलब ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे, वहां अगर आइस क्यूब को हम वाटर में डाल देते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आइस का अमाउंट बिल्कुल फिक्स रहेगा, जबकि हो क्या रहा है, आइस मेल्ट भी कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। तो जितना आइस मेल्ट कर रहा है एट द सेम टाइम उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट कर रहा है। कई जगह पर यह देखा जाता है कि अगर बड़े बड़े आइस के स्लैब को हम कट कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे कट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ में जा रहा है प्लेट, तो ये नीचे का पार्ट जो मेल्ट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम अपर पार्ट जहां वाटर इस दोनों आइस के कॉन्टेक्ट में आया है, जो कटा हुआ था कटते जा रहा है, तो जब तक वो ब्लेड नीचे की तरफ में पहुंच रहा है अपर पार्ट सॉलिडिफाई कर,
यानी कि आइस मेल्ट भी कर रहा है और वाटर फ्रीज भी कर रहा है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर दोनों का रेट बराबर हो, अगर दोनों का रेट बराबर हो, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, इन दोनों का रेट अगर बराबर हो, तब उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप याद कीजिए, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बताया था आपको कि अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में कोई वोलाटाइल लिक्विड रखते हैं तो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट करेगा। चूंकि कंटेनर क्लोज्ड है तो आफ्टर सम टाइम वेपर वाटर में कन्वर्ट करने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जितना वाटर जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। वाटर के वेपर में कन्वर्ट करने को वेपराइजेशन कहा जाता है और वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने को कंडेंसेशन कहा जाता है। और जिस वक्त जिस कंडीशन में रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों बराबर हो जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर दोनों बराबर हो जाए, देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पर कुछ एक एग्जांपल आपको बताया जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और बताते हैं सॉलिड एंड लिक्विड का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहां होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें असॉल्युट डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी को मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हुआ है लेकिन वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं होता है। अगर आप शुगर ऐड करते हैं तो उस शुगर का डिसॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है एंड एट द सेम टाइम जो डिसॉल्व पार्ट है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है। लेकिन चूंकि सैचुरेटेड कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट कर चुका है इसलिए शुगर का अमाउंट नीचे वाटर में आपको उतना ही तो उतना ही दिखेगा, लेकिन वो दोनों प्रोसेस साथ में चल रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर चुका है, इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड हो चुका है, तब उसमें कोई कलर्ड सब्सटेंस डालो, जैसे होली में जो रंग हम लोग यूज करते हैं वो डालें। ध्यान से समझना क्या बताने का। आप माने कि 2 ग्राम डाल दिए उसमें, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हो जाएगा। सॉल्यूशन के कलर्ड होने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन कलर्ड हो गया इसका मतलब यह हुआ कि वो कलर्ड सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्यूशन हुआ है, जबकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड था। और ये पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हो गया इसका मतलब उसमें डिसॉल्व हुआ। एंड एट द सेम टाइम जितना कलर्ड कंपोनेंट डिसॉल्व हुआ है उतने ही डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल का क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, जो नीचे वाटर में बैठ जाएगा। तो यानी कि डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां हम आपको फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम समझाने की कोशिश की है। बाकी एक बार में थोड़ा सा रीडिंग डालोगे आप एनसीईआरटी। अब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम समझने के पहले हम लोग को रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना होगा। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करता है, उसे हम लोग इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर कार्बन को आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का फॉर्मेशन करता है। अब ये CO2 फिर कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करता है, तो ये एग्जांपल हो गया इररिवर्सिबल रिएक्शन का। वही अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा हो तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन हो। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3, इसे जब हीट करते हैं then it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide, और ये calcium oxide और carbon dioxide फिर combine कर calcium carbonate में convert कर जाता है। तो इस reaction को reversible reaction कहा जाता है। reversible और irreversible reaction को represent करने के लिए हम लोग arrow का इस्तेमाल करते हैं। अगर single इस तरीके का एरो का इस्तेमाल किया गया इसका मतलब कि वो इररिवर्सिबल रिएक्शन है। डबल हाफ हेडेड एरो या इस तरीके के भी एरो का यानी कि दो एरो का रिप्रेजेंटेटिव यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज होता है। हाफ हेडेड एरो भी यूज किया जाता है और ये कंप्लीट एरो भी यूज किया जाता है,
लेकिन ये दूर है, ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें भी कन्वर्ट करता है और ये कंबाइंड में भी कन्वर्ट करता है। तो रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्लियर हुआ अंडर 10th क्लास में पढ़े होंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट गिव द रिएक्टेंट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाइल द केमिकल रिएक्शन in which reactant can converted into product and product can also converted into reactant is called reversible reaction, उन्हें reversible reaction कहा जाता है। इस chapter में हम लोगों को reversible reaction के बारे में पढ़ना है, क्योंकि equilibrium तो वही होगा जहां forward changes भी हो और backward changes भी हो, क्योंकि equilibrium का मतलब होता है कि is the condition at which the rate of forward changes become equal to rate of backward changes। तो इररिवर्सिबल तो चूंकि वन डायरेक्शन में फॉरवर्ड ही सिर्फ होगा, बैकवर्ड होगा नहीं, तो यहां इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। जबकि इस कंडीशन में फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, तो यहां इक्विलिब्रियम अटेन करने के चांसेस हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, एक आता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटरोजीनियस। इसको थोड़ा सा समझोगे, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस इसका मतलब क्या? If all reactant and product are in same phase, यानी कि solid है तो सब solid, liquid है तो सारे liquid, gas है तो सारे gas, तब उन्हें homogeneous कहा जाएगा। और अगर वो equilibrium attain करता है, तो homogeneous equilibrium कहा जाएगा। और अगर कोई भी differ कर रहा है, तब उन्हें heterogeneous कहा जाएगा। इसके examples में लिखते हैं, जैसे limestone, CaCO3, ये solid state में exist करता है। इनके decompose करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ये भी डबल हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया गया, इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया का सिंथेसिस हैवर्स प्रोसेस में कराते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से। एंटीन गैसेस स्टेट रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसेस स्टेट to form 2 moles of ammonia, 2NH3 in gaseous state। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां पर solid है और ये gas, यानी कि तीनों identical नहीं है, जबकि इसमें जितने reactant और product हैं, सब के सब same phase में हैं, तो ये example हो गया homogeneous का। और अगर इनमें equilibrium attained होता है, equilibrium exist करता है, तो इन्हें homogeneous कहा जाएगा। और यहां पर सारे सेम कंडीशन में नहीं है, सेम स्टेट में, सेम फेज में नहीं है, तो इन्हें हेट्रोजीनियस कहा जाएगा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यहां समझा दी, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो टर्म यूज करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो वहां दिमाग में आना चाहिए अच्छा हेट्रोजीनियस का मतलब ये निकलता है। अब समझते थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्योंकि जब केमिकल इक्विलिब्रियम का टर्म डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां टर्म आता है the condition at which rate of forward changes, the rate of forward changes, तो rate का टर्म आ रहा है, इसलिए पहले reaction का rate हम लोग समझते हैं, chemical kinetics का पार्ट है, जहां जितना concept का जरूरत है वो अंडर 10th में आप पढ़े हैं। rate of reaction का मतलब होता है change in concentration of reactant or product in per unit time, यानी per unit time में concentration कितना change करता है, वो उसका rate of reaction का। कंसंट्रेशन को हम लोग कई वे में रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन वाला टॉपिक अगर याद हो, लेकिन जनरली केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर एक कोई केमिकल सब्सटेंस है और इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल दिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक है मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लोग एक्टिव मास भी कहते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए, ए के एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है उस पर उसका रेट डिपेंड करता है, यानी अगर ए कन्वर्ट कर रहा है बी में,
ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहां अगर ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, तो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा ए का अमाउंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते, अभी दिवाली जस्ट कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, आप छोटा सा बीड़ी बम जिसको कहते हैं तो, और एक बुलेट बम हो गया, दोनों का कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम होता है, अमाउंट कहां पे फर्क पड़ता है, एक जो बीड़ी बम है जो छोटा सा बम है क्रैकर, उसका आवाज कम होता है, उसका साउंड इंटेंसिटी कम होता है, वहीं अगर आप बुलेट बम की बात करें तो उसका साउंड ज्यादा होता है। दोनों में फर्क कहां पर है, अमाउंट पर, बारूद का अमाउंट किसी में कम है किसी में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है वहां रेट ऑफ कंबसन फास्ट हो गया, वहां ज्यादा आवाज सुनाई देगा, जहां कम है वहां कम आवाज सुनाई देगा, यानी कि कंसंट्रेशन पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। हाँ, वही अगर इनके कंसंट्रेशन का कोई नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, ए मोल्स ऑफ ए इट गिव बी मोल्स ऑफ बी, तो यहां आगे में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा वो इसके पावर में चला जाता है, ए टू द पावर ए। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो सभी के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, सारे के रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन को यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, सपोज ए मोल्स ऑफ ए इट रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, यहां यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी ये दो रिएक्टेंट है तो दोनों के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट विद द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस कैपिटल ए के आगे में नंबर ऑफ मोल ए है तो ये इसके ऊपर में चला जाएगा, इसके आगे में नंबर ऑफ मोल बी है तो यहां ये बी में चला जाएगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं के, तो ये आ गया ए इंटू ए एंड बी इंटू बी, ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है। वही अगर हम लोग किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर के चले तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों निकाला जाएगा। ध्यान से समझना, सपोज ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर सी मोल्स ऑफ सी, सी मोल्स ऑफ सी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑफ मास एक्शन, अब देखो यहां पर चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने को बैकवर्ड या इसी को रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी इसके लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करेंगे के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसी तरह से अगर बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, सी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी रिएक्टेंट हो गया और ए और बी प्रोडक्ट हो गया, तो यहां अगर हम लोग लिखेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, यहां सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो गया बैकवर्ड के लिए सी,
एंड टू द पावर सी। अब ये कंफ्यूज मत करना, हम यहां बोल रहे हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि पीछे जा रहा है, तो पीछे कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है, सी कन्वर्ट कर रहा है ए और बी में, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा और ए और बी प्रोडक्ट के रूप में, वहीं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सी टू द पावर सी होगा और यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे केवी, और अगर रिवर्स देखते हो तो इसको के आर भी लिखा जा सकता है, सी टू द पावर सी, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जैसे ही दोनों बराबर हो जाएगा यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पर क्या लिख सकते हैं लोग, के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी एंड इट वुड बी इक्वल टू के बी इंटू सी टू द पावर सी, और इसको अगर यहां ले आए तो के एफ बाय के बी इट वुड बी इक्वल टू सी टू द पावर सी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, और इसी के एफ बाय के बी को एक अलग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें केसी कहा जाता है, और इनके लिए एक्सप्रेशन आ गया सी टू द पावर सी बाय ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, वेयर केसी इज कॉल्ड ए कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केएफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, केबी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और केसी क्या है, इट इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन लिखिए, इसके नीचे में जहां जहां पर जैसे इस जगह पर है तो यहां पर आप इसको नीचे में लिखोगे, यहां केएफ किसे क्या कहा जा रहा है, वेयर केएफ इज ए कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरह से केबी है, तो अब यहां आप लिखोगे केबी के लिए, वेयर केबी इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, अपनी कॉपी में इसको लिखोगे, और केसी के लिए नीचे में लिखेगा वेयर केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अभी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए डेरिवेशन की एक्सप्रेशन निकाले। अब इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम एक्चुअली दो पार्ट में है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड इक्विलिब्रियम सेकंड। आज आपको पता चला है कि इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन इक्विलिब्रियम एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीशन का प्रेशर नहीं है हम लोगों के ऊपर। इस चैप्टर के बाद में सिर्फ ऑर्गेनिक का दो चैप्टर बाकी है, टाइम है हमारे पास में, आराम से पढ़ेंगे। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको आप फॉलो करो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जामिनेशन है आपका, कंसेप्ट है आपका, जितना कुछ सीखोगे वो आगे ट्वेल्थ में भी आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। यहाँ आप ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हैं, रिपीट करके देख रहे हैं, अब इसको अगर आप इजी वे में ले रहे हैं कि कभी भी कंप्लीट करेंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाया कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जब टेस्ट लेते हैं तो उसमें आप अपीयर नहीं होते हैं, 50% के करीब स्टूडेंट अपीयर होता है, 50% अपीयर ही नहीं होता है, उस 50% में कई लोगों का माइनस में चला जाता है मार्क्स। तो हम तो मैसेज ही कर सकते हैं, इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं, कभी किसी से फोन करके बात कर लेते हैं कि हाँ कहाँ क्या दिक्कत है, लेकिन इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा, हम गाइड कर सकते हैं। हाँ, जब क्लास चल रहा होता है तो उस वक्त में टीचर रहते हैं सामने में, तो उम्मीद करते हैं कि मान लीजिए अभी 11th में ये चल रहा है तो 12th में हमारे लिए कुछ बेटर होगा, हम लोग फिर से अपने उसी प्लेटफॉर्म पर चले आएंगे, क्लासरूम में बैठ करके पढ़ेंगे, वहाँ फेस टू फेस डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, आप जैसे ऑनलाइन ऑप्ट किए हैं कि हमें ऑनलाइन
माइंड पढ़ना है, हम आपके लिए तैयार हैं, जहां तक हमसे संभव हो पा रहा है कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, वीडियो का क्वालिटी बेटर नहीं, ऑडियो क्वालिटी बेटर नहीं है, लेकिन अभी तो काम चलाना है हम लोगों को कि किसी तरीके से कंटेंट का क्वालिटी ठीक है, वहां कंप्रोमाइज नहीं किए, जिस तरीके से संभव है उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करोगे, अब एक बार में एनसीईआरटी का कम से कम रीडिंग डालोगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के एक्सप्रेशन तक पहुंचोगे। आज सिर्फ यहां है टॉपिक क्या करना है, जो आगे हम लोग केसी हर एक केमिकल इक्वेशन के लिए निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का यूनिट के बारे में बात करेंगे कि किस केमिकल रिएक्शन में क्या यूनिट होगा, और फिर एक और टर्म आएगा जैसे केसी है उसी तरीके से एक और रिलेशन आएगा केपी। अब केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आज बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम एक बार आपका भी टॉपिक पढ़ा हुआ, जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम और स्टार्टिंग का 3-4 पेज दिया हुआ है, वर्बली बताया तो 8-10 मिनट में, लेकिन आप उसको एक बार मेरिटिंग डालोगे और फिर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन उसका आप रीडिंग डालोगे, तो हम जब समझाएंगे उसको तो बिल्कुल आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो आज यही तक, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।